यहाँ से देखो कितना खतरनाक लग रहा है, और ऐसे लटका रखे ना, रस्सी से लटका रखे लिटरली। ये वाला दिख रहा है एकदम क्लियर, देखो ये बाहर रखा हुआ है ना। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। ये देखो मेरे पीछे बोबी भैया को अलग ही शौक चढ़ गया है वीआर में व्लॉग देखने का। आजकल बोबी भैया इसी में व्लॉग देख रहे हैं वीआर में। बोबी भैया कह रहे मैं लेके जाऊंगा इसको, इसी में व्लॉग देखूंगा रोज। फिलहाल ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो गाइज ब्रेकफास्ट हो गया है और ये देखो खाना खाते ही फिर लग गया उस पर भाई। गाइज ये देखो इतनी मस्त चीज है ना, ये डंबल है और इसमें हमको जितना भी केजी चाहिए ना, हमको चाहिए मान लो 10 किलो चाहिए, मान लो हमको 10 किलो चाहिए। अब 10 ही निकलेगा, ये देखो अब 10 किलो निकला है, ठीक है। 5 किलो चाहिए, इसको 5 पे कर दो, सिर्फ 5 किलो उठेगा अब इसमें, सिर्फ 5 किलो। ये देखो क्या मस्त डंबल है, देखो सबसे कम है इसमें 2.5 किलो चाहिए, ये देखो इतना हल्का। गाइज घर के लिए बेस्ट है बिकॉज घर में ना बहुत सारे डंबल नहीं ला सकते हम, तो घर में सिर्फ इतना सा रख लो। सबसे भारी है इसमें 25 किलो। अगर 25 ऐसे उठा के ऐसे कर लिया तो आईफोन 15 मेरी तरफ से पक्का ऐसे उठा के एयरपोर्ट जो बोले वो मेरे से पक्का बताओ, मैं तो कर दूंगा। सुन ले पहले, ऐसे पकड़ना है, ऐसे उठा के ऐसे करना बिल्कुल, ऐसे 25 kg को ऐसे। लो यार वीडियो बनाओ अब इधर, तीन बार करना है। अब तीन बार एक बोला था, तीन बोल रहे भाई, तीन बार हो रहा था यार, ऐसे करके भी दिखा मैं ना ना भाई, ये तो पोपट कर रहे हो मेरा, तीन बार कह रहे हो। मैंने करके अभी आईफोन कह रहे थे, आईफोन तो मैंने होना कर रहा हूं, तीन बार करना है। तीन बार क्यों कह रहे हो, अभी एक बार बोला था, पहले एक बार बोला था ना, एक 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 रैंड भाई ना कुछ भी है, एक बार बोला ना। तो गाइस यहां पे ना कूड़ा फेंकने का भी अलग सीन है। यहां पे देखो कूड़ा लेके जा रहे हैं, कूड़े को इसमें डालो, यहां से जाएगा सीधा नीचे, चलेगा आवाज आ रही है, -1 फ्लोर से सीधा नीचे भाई, सीधा 6 फ्लोर से सीधा नीचे। लेकिन वाइब इंडिया में आती है जब आवाज आती है ना, स्वच्छ भारत का इरादा, वो जब उसमें जो वाइब आती है ना, जब कूड़े की गाड़ी आती है इंडिया में, वो अलग ही होता है। तो भी गाइस सभी रेडी हो गए हैं और आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे, मतलब आप लोगों को मजा आ जाएगा, मतलब ऐसी जगह है वो, मतलब बहुत कम जगह है पूरे वर्ल्ड में। सभी रेडी हो गए हैं, तो भी नीचे आगे सोसाइटी में, मैं आपको सोसाइटी की खास बात बताता हूँ। गाइस यहाँ पे ना सोसाइटी में कहीं भी कोई गार्ड नहीं होता, कहीं भी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है इससे। ये ना पूरी सोसाइटी है, देखो ये पार्किंग है इसकी, इस सोसाइटी यहाँ पे लोग रहते हैं। अगर हमको ऊपर जाना है ना, तो हमको ये चाहिए, ये स्कैन करना पड़ेगा, तो हम ऊपर जा पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये गेट है सोसाइटी का, ये खुलेगा नहीं अभी, ठीक है, इसे खोलने के लिए स्कैन करना पड़ता है। यहाँ पे स्कैन करो, अब ये खुलेगा, और यहाँ पे देखो कोई गार्ड नहीं है। यहाँ से जाएंगे लिफ्ट में, मेरे को जाना है 3rd फ्लोर पे, पूरी सिक्योरिटी इससे होती है। और ये वाला एरिया देखो, ऐसा लग रहा है होटल में आ गए, बट ये घर है। मैं अपना मेट्रो कार्ड लाना भूल गया था, तो वो लेने आया था ऊपर। ये वेटिंग एरिया सोसाइटी का, कोई मिलने आएगा तो यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ टीवी भी लगा हुआ है देखो। और मुझे बाहर जाना है, मैं खोलूंगा तो खुलेगा नहीं, देखो, तो उसके लिए मुझे बटन दबाना पड़ेगा, ये दबाना पड़ेगा, अब खुलेगा, देखो खुल गया ना। और गाइस आज हम ऐसी जगह पे जाने वाले हैं ना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बता नहीं रहा आपको, वहीं जाके दिखाऊंगा कहाँ जा रहे हैं। दोनों साइड मेट्रो आ गई, हमको जाना है लेफ्ट वाली में। यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया भाई, सीट मिल जाती है मेट्रो में। ये देखो बच्चों कैसे लेके जाते हैं यहाँ पे, ऐसे भी ये सही झूले ले रहा भाई। तो अभी हमको मेट्रो चेंज करनी है, इसलिए आए यहाँ पे। तो गाइस मेट्रो से बाहर आ गए हैं और यहाँ हो रही है बारिश। तो गाइस पहुँच गए हैं, जो पीछे दिख रहा है ना बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर जाना है हमको। है तो बहुत सुंदर, देखो बहुत सुंदर बिल्डिंग है। इस जगह का नाम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। देखो सभी लाइन में लगे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं VIP लाइन से। हमारे पास ना टिकट है, इनके पास टिकट नहीं है, बस बात ये है। डायनासोर्स गाइज, अब तो आप समझ ही गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं डायनासोर देखने के लिए, रियल वाले डायनासोर जो होते थे ना, उनके स्केलेटन है यहाँ पे। ये देखो भाई डायनासोर के रियल मुंह है ये, रियल भाई, कितने बड़े मुंह है देखो भाई। गाइज पहले देखो अर्थ ऐसी थी, पहले अर्थ मतलब सारे देश एक साथ थे देखो, फिर यहाँ पे उल्का पिंड टकराया, उसके बाद फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर सब बिखर गए देखो, पूरे देश बिखर गए, पहले से कुछ चिपका हुआ था। और डायनासोर भी तभी मरे थे, अगर अभी रियल में होते ना तो ऐसे लोग देखना रहे होते क्योंकि इतना बड़ा है ना देखो। ये है डायनासोर के बच्चों के स्केलेटन, डायनासोर के अंडे ऐसे होते थे देखो, ये रियल नहीं है बट ये रियल है देखो, ये बिल्कुल रियल है। उनकी खाल देखो कैसी होती थी, पत्थर की तरह खाल है। ये देखो ये भी रियल है भाई, कितने बड़े होते थे देखो, पूछ देखो कितनी बड़ी है। ये उनकी हड्डियाँ हैं, रियल हड्डियाँ। डेथ ऑफ डायनासोर, सिर्फ बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स
मतलब क्रोकोडाइल, कछुआ, स्नेक्स, लेजर्स, मैमल्स, ये तब से हैं भाई, इतने करोड़ों साल से। मेरे हाथ से बड़ा एक पंजा इसका, देखो सबसे बड़ा यहाँ पे ये वाला है, देखो लेपर्ड, शेर, ये वाला भालू देखो भाई, इसका पंजा देखो कितना खतरनाक पंजा है, टाइगर से तो बहुत बड़ा है। गाइस ये जो म्यूजियम है ना, ये बहुत बड़ा म्यूजियम है, यहाँ पे सारे एनिमल्स हैं, बट मेरे को मेन देखना है डायनासोर, बिकॉज डायनासोर अभी इस दुनिया में नहीं है ना। क्रोकोडाइल का स्केलेटन ऐसा होता है, देखो ये है मॉनिटर लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड, ये देखो रियल स्नेक्स हैं, अलग अलग तरह के स्नेक्स हैं यहाँ पे। और ये अजगर देखो इतना मोटा होता है। यहाँ पे अंदर कैफे भी है खाने पीने के लिए मस्त। अब फिलहाल लंच करते हैं, घर से बना के लाए थे, मस्त चावल खाएंगे। गाइस यहाँ पे डस्टबिन देखो, ढक्कन इसमें, ढक्कन इसमें, ढक्कन इसमें, लिक्विड इसमें, ढक्कन इसमें, ग्लास इसमें। गाइस मेरे सामने देखो कितना बड़ा स्केलेटन है, ये देखो। अभी यहाँ तो पंछी वंछी भी हैं, सारे पंछी देखो कैसे लटकाए हुए हैं। बहुत बड़ा म्यूजियम है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा, यहाँ से देखो कितना खतरनाक लग रहा है। और ऐसे लटका रखे हैं, रस्सी से लटका रखे हैं लिटरली, और गिर जाए ना भाई, इतने सारे लोग हैं नीचे देखो। गाइस इस जगह घूमने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए, अगर आपको एक एक चीज़ अच्छे से देखने, तो चलते हैं अब नीचे। ये वाला दिख रहा है एकदम क्लियर, देखो ये बाहर रखा हुआ है ना, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखो ऐसे इतना बड़ा हाथी होता था पहले, पैर देखो, हड्डियाँ देखो, पूरा स्केलेटन कितना बड़ा है। तो कहते बाहर आ गए, लेकिन हम पूरा घूम नहीं पाए, हम थोड़ा सा घूम पाए, लेकिन जितना भी घूमा लेकिन मज़ा आ गया भाई। बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, तो मैं जैकेट डालता हूँ। ये देखो बच्चे को ढक दिया, ये देखो भाई लंदन में पानी भरता है। गई ये देखो सेम मेरी गाड़ी, यही कलर, कन्वर्टेबल भी है, नहीं बॉक्सर नहीं है। अब हमको जाना है बस में, और यहाँ पे देखो बस स्टॉप पे लिखा होता है कि ये बस स्टॉप है, यहाँ पे कोई और गाड़ी नहीं आ सकती। यहाँ पे ये देखो ये एरिया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ कोई और गाड़ी नहीं आ सकती, सिर्फ बस आ सकती है। ये गाड़ी आई देखो, ये यहाँ चल रही है, ये इधर नहीं चल सकती। ये देखो सिर्फ बस ही आएगी यहाँ पे। ओ भाई रिक्शा। गाइज ये यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है शॉपिंग के लिए, हम जा रहे हैं हेमलीज, यहाँ पे बहुत बड़ा हेमलीज है, कुनाली और पीयूष के लिए कुछ ले लेंगे अगर वहाँ से मिलेगा तो। अंदर घुसते मेरे को ये पसंद आई है, देखो ये कुनाली को बहुत पसंद आएगी, तो ये ले लेता हूँ मैं एक। बच्चे तो मस्त रेसिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे को तो ये पसंद आ रहा है, ये देखो ट्रांसफार्मर। गाइज यहाँ से मैंने लिया कुनाली के लिए दो चीज़ें। गाइज ये स्कूटर देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, मेरे को तो पसंद आ गया, मैं सोच रहा हूँ इंडिया में मैं ले लूँ ये, कमेंट करता मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो गाइज ज़ारा पहुँच चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसे कपड़े मिल रहे हैं भाई। गाइज ज़ारा मेरे को ये जैकेट पसंद आया था, बट ये बहुत बड़ा है, देखो इस पोपट हो गया, ये कह रहे कि बंद कर रहे हैं हम तो स्टोर को। ले भाई अभी तो हम आए थे शॉपिंग के लिए, अब मैकडोनल्ड्स चलते हैं, अब फिलहाल बर्गर खाते हैं, अब जा रहे हैं सीधा घर। गाइज यहाँ पे आके ना बोर नहीं हो रहे, बिकॉज सब कुछ अलग अलग है यहाँ पे, सारे लोग अलग हैं, कोई कुछ भी खा रहा है, कोई कुछ भी पहन रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो सबको देख के मतलब सही टाइम पास हो जा रहा है। गाइज यहाँ पे आप साइकिल चला सकते हो 10 मिनट के लिए फ्री डेली, ये वाली साइकिल। मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, ऊपर बिजली की लाइन नहीं जा रही है, यहाँ पे दिल्ली वाली मेट्रो में ऊपर बिजली की लाइन होती है, यहाँ ऊपर नहीं है, यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है, गोले दिख रहे हैं ना दोनों पटरी के उस तरफ एक बीच में है, ये बिजली की तारें। अच्छा ये बिजली की है, अगर हाथ लगा दे तो जल जाएंगे। गाइस यहाँ पे पटरी पे जा भी नहीं सकते, बिकॉज ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी है पटरी पे, इस पे भी उस पे भी, तो यहाँ पे ट्रैक पे कोई जा नहीं सकता, अगर चला गया ना वो करंट से ही जल जाएगा। बाय बाय मेट्रो, फाइनली पहुँच चुके हैं। तो गाइस घर आ गए, अब फिलहाल डिनर करते हैं, मस्त घर का खाना। तो फिलहाल सोने का टाइम आ चुका है, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम फॉरेन में हैं, फॉरेन में Oh my God.